वेबिनार। सो गाइस जैसा तुमको पता है कि छप्पड़ फाड़ के पैसा बरसाने वाले दो आईपीओ आ चुके हैं और दो आईपीओ हैं आपके कौन कौन से, एक मैक्सपोजर का और दूसरा लॉसिको का है। अब रिटेल जो इन्वेस्टर है उसके माइंड में एक सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि मेरे पास दोनों आईपीओ के लिए पैसा कैसे आए, मैं क्या जुगाड़ करूं कि भाई मैं दोनों आईपीओ में अप्लाई कर पाऊं। तो मैं तुमको बिल्कुल क्लियर बताने वाला हूं, अगर आपके पास एक आईपीओ के लिए पैसा है तो डेफिनेटली आप क्या है दोनों आईपीओ में भी अप्लाई कर पाएंगे। कैसे अप्लाई कर पाएंगे उस चीज को समझते हैं। तो देखो जो मैक्सपोजर की एप्लीकेशन है वो है 1,32,000 की और जो आपकी दूसरी एप्लीकेशन है लॉसिको की वो एप्लीकेशन है 1,40,000 की रिटेल के लिए। तो देखो अगर आपके पास 1,40,000 रुपए है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले अप्लाई कर देना है मैक्सपोजर में। अब देखो मैक्सपोजर में अप्लाई कर दोगे तो तुमको एक चीज ध्यान ये रखना है कि मैक्सपोजर की जो अलॉटमेंट की डेट है वो है 18 जनवरी, मतलब 18 जनवरी को पता चल जाएगा कि आपको आईपीओ अलॉट हुआ कि नहीं और इसका जो रिफंड होगा वो नेक्स्ट डे मतलब 19 जनवरी को आ जाएगा, मतलब 19 जनवरी को रिफंड इनिशिएट हो जाएगा। तो कुछ लोगों को अकाउंट में 19 जनवरी को सुबह ही आ जाएगा, कुछ के अकाउंट में शाम को आ जाएगा और कुछ के अकाउंट में 20 तक तो डेफिनेटली आ ही जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो पैसा है वो आराम से 20 तारीख तक आ जाएगा। अगर आपके पास 20 जनवरी तक पैसा आ जाएगा तो आपको एक चीज ये भी देखना है कि लॉसिको का आईपीओ क्या है 19, 20, 21, 22 और 23 तक ओपन है, मतलब 19 से लेकर 23 तक ओपन है। तो जब आपके पास पैसा 20 तक आ ही जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो समस्या है वो खत्म हो गई, आप आसानी से लॉसिको के आईपीओ में भी अप्लाई कर पाओगे बिकॉज पैसा जो आपने मैक्सपोजर में लगाया हुआ था वो पैसा फिर से आ जाएगा यदि आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है। और अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो भाई बल्ले बल्ले है भाई, फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं। अगर अलॉटमेंट मिल जाता है तो भाई पैसे की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी बिकॉज आपको आईपीओ ऑलरेडी मिल चुका होगा और आप तैयारी करिएगा उस समय किसकी, लिस्टिंग गेन की। तो ये काफी अच्छा तरीका है। कुछ लोग क्या करते हैं डेट्स को क्या है नहीं देखते हैं, जो डेट्स होती हैं उनको जब आप नहीं देखते हो और आप रैंडमली सोचते हो तो आपको यही लगता है कि भाई दो दो आईपीओ आ रहे हैं, मैं लगाना तो दो में चाहता हूं लेकिन कैसे लगाऊं मेरे पास पैसे नहीं है। तो देखो अगर आप डेट्स को देखोगे तो तुम्हारे पास अगर एक आईपीओ के लिए भी पैसा है तो भी आप दोनों आईपीओ में अप्लाई कर पाओगे। तो दिमाग से काम करना है, अगर आप दिमाग से काम करोगे तो डेफिनेटली आईपीओ में अप्लाई कर पाओगे। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास जो पैसा वो कम होता है और एप्लीकेशन आपको पता है कि भाई एसएमई में जो एप्लीकेशन है वो क्या बड़ी होती है। अब देखो कुछ लोगों का एक क्वेश्चन ये भी था कि किस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। तो देखो ये जो आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए अगर आपका ये क्वेश्चन है, अगर आपको एक ही में लगाना है तो देखो मैं तुमसे यही कहूंगा कि भाई जिसका जीएमपी ज्यादा है उसके साथ क्या जा सकते हो। तो देखो आपको पता है कि भाई मैक्सपोजर का जीएमपी ज्यादा और पहले आईपीओ इसका ही आ रहा है तो आप इसके साथ ही जाए वो ज्यादा बेटर होगा। और आपको यही पता है कि भाई मैक्सपोजर का जो आईपीओ है, जो मैक्सपोजर का आईपीओ वो 15 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक ओपन रहेगा तो आपको इन्हीं डेट्स में क्या अप्लाई करना है। और जो आपका लॉसिको का आईपीओ है वो आपका 19 जनवरी से लेकर 23 जनवरी के बीच में रहेगा तो आपको इस डेट्स के बीच में अप्लाई करना है। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो और ऐसे वीडियो आपको आने वाले टाइम में भी मिलते रहेंगे। और जिनका भी जीएमपी बहुत हाईएस्ट होगा या जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड होगी, जहां प्रॉफिट के चांसेस होंगे, वो सारे के सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और आपके लिए एक प्लेलिस्ट सेपरेट बना दी जा रही है जिसमें सिर्फ आईपीओ की जो एनालिसिस है वो रखी जाएगी। तो जितने आईपीओ की डिटेल होगी वो आपको आईपीओ की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप जाके जरूर अपकमिंग आईपीओ को भी देख सकते हैं। एंड थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।